हे गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी लोगों का एक और नए व्लॉग में। मैं हूं जेडी और आप देख रहे हैं जगदीश डेयर व्लॉग। तो गाइस, आज के व्लॉग में हम मोटो व्लॉग नहीं करने वाले हैं, मतलब हम बाइक चला के ही जाने वाले हैं लेकिन मोटो व्लॉग नहीं करेंगे, क्योंकि भाई किसी को भाई पसंद है मोटो व्लॉग। और मैंने बोला था कि भाई एक बार कमेंट कर देना कि आप सभी लोगों को मोटो व्लॉग पसंद है या नहीं है, तो भाई उस पर किसी ने कमेंट नहीं की कि हमें पसंद है। तो हम आज मोटो व्लॉग नहीं करेंगे, हम यहाँ से जा रहे हैं और आपको एक बहुत मस्त प्लेसेस हम दिखाने वाले हैं, तो वीडियो पे बने रहे ना और कहीं पे भी जाना मत। अभी हम रेडी तो ऑलरेडी हो चुके हैं, अब बस शूज पहनने बाकी है और नीचे जाके गाड़ी लेके निकलेंगे यहाँ से। एक फ्रेंड को हमें पिकअप करना है उसके रूम से, तो वहाँ पे जाएंगे, उसको पिकअप करेंगे एंड फिर हमें रास्ता पता नहीं कहाँ से जाना है, तो हम मैप पे वो रास्ता डालेंगे एंड फिर वहाँ पे जाएंगे। बहुत ही अच्छी सी जगह है, वहाँ पे जाके मैं आप सभी लोगों को अभी दिखाता हूँ। तो भाई जाना मत कोई भी, ओके गाइज। और जिसने भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया फटाक से सब्सक्राइब मार दो, क्योंकि ऐसे ही डेली व्लॉग्स एंड वीडियोस आते रहेंगे एंड आपको हम इंजॉय कराते रहेंगे। तो मार दो यार सब्सक्राइब, मार दो लाइक, मार दो, लेट्स गो, चलते हैं। गाइज, सेफ्टी के लिए हेलमेट तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हमने यहाँ पे हमारा हेलमेट ले लिया है, इसमें कुछ भी लगाया नहीं लेकिन हम पहन के जाएंगे। अभी गाइज हमारी R15 यहाँ पे पड़ी हुई है, देखो एकदम, अभी थोड़ी धूल तो लगी हुई है लेकिन फिर भी लेके जाएंगे। और हमारे साथ है हमारा हेलमेट, तो ये भी पहनते हैं। लेट्स गो, निकलते हैं भाई, बहुत देरी हो रही है, फ्रेंड वहाँ पे वेट कर रहा है, तो चलते हैं वहाँ पे एंड मिलते हैं। अभी फाइनली फ्रेंड से हमने मिल लिया है, जयेश भाई है यहाँ पे और हम सभी घूमने के लिए जा रहे हैं। मेरे पास R15 है, हमारी CB हॉर्नेट भी है साथ में, वो नितिन भैया चला रहे हैं और स्प्लेंडर भी है, तो लेट्स गो चलते हैं एंड तबाही मचाएंगे आज, तो वहाँ पे जाके बहुत ही मज़ा आने वाला है। भाई बीच में रास्ता पता नहीं कैसा आ गया, गूगल मैप की मदद से हम आगे बढ़ रहे थे तो रास्ता गलत रास्ता हमने ले लिया और इतनी धूप है, एक तो भाई गलत रास्ते पे आ गए और अभी कहाँ से यहाँ से आगे, फिर यहाँ से 3-4 किलोमीटर हमें रिटर्न जाना पड़ेगा एंड वहाँ से रास्ता जाता है यहाँ पे गांव में, भाई भैया ने बोला, तो अभी चलते हैं फिर से। और धूप इतनी ज़्यादा है, मैंने तो हेलमेट पहना है, बाकी किसी ने हेलमेट भी नहीं पहना है, तो चलते हैं पहले भाई जल्दी से वहाँ पर पहुँचते हैं। अभी गाइस हम उस जगह पर पहुँच तो आए हैं लेकिन आप देख सकते हो भाई पीछे पानी नहीं है, अभी डैम पूरा खाली है। भाई हमने इतने 30 से 35 किलोमीटर ट्रैवलिंग किया लेकिन भाई यहाँ आने का कोई भी फ़ायदा हमें नहीं मिला। अभी पानी है लेकिन डैम के उस तरफ है, तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। अभी यहाँ से आप देख सकते हो वहाँ पे पानी दिख रहा है लेकिन डैम में पानी नहीं है। भाई साहब पानी तो बहुत ज़्यादा है लेकिन डैम वहाँ से बंद कर रखा है। अभी यहाँ पे आने का कोई भी मतलब, भाई ये जगह बहुत ही मस्त है, यहाँ पे भाई पानी आता है ऊपर से नीचे तब बहुत मज़ा आता है, लेकिन हमने कहीं पे भी सर्च नहीं किया और देखा नहीं तो हम यहाँ पे आ गए। अभी देखो वहाँ से पानी आता था लेकिन पानी भाई अभी इतना ऊपर है ही नहीं, मतलब ऊपर से होता तो ये पूरा ओवरफ्लो हो जाता और वाटरफॉल हो जाता, यहाँ से पानी जाता मस्त, लेकिन पानी इतना ज़्यादा है नहीं, पानी चला गया पूरा। देखो अभी थोड़ा थोड़ा पानी वहाँ पर भरा हुआ है। और सामने दिख रही है रिलायंस, भाई रिलायंस के बिल्कुल पास में आ गए हम, बहुत दूर आ गए भाई, इतना ज़्यादा दूर आए लेकिन यहाँ पे व्यू मस्त है। लेकिन वहाँ पे हम जिस जगह के लिए आए थे वहाँ पे वाटरफॉल होने वाला था और ओवरफ्लो अभी तक हो ही नहीं है, पानी बहुत जा चुका है यहाँ से, ओवरफ्लो हो चुका है, तो अभी पानी कम है ना इसलिए वहाँ से पानी नहीं जा रहा है। तो भाई यहाँ पे खड़े अभी सोच रहे हैं कि दूसरी कहीं पे जगह पे चले जहाँ पे भाई मज़ा आए, तो आज संडे है घूमने में भी मज़ा आएगा और वैसे भाई हम राइडर तो है, हेलमेट सब कुछ है, ऐसे भी मज़ा तो आ ही रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे आया था कि भाई आप सभी को दिखाता हूँ, लेकिन अभी आप देख सकते हो यहाँ पे पानी बहुत ही ज़्यादा है लेकिन वहाँ पे भाई नहीं है, इतना ज़्यादा भी पानी नहीं है कि भाई ओवरफ्लो हो जाए और बहुत ज़्यादा पानी आए, मैं तो थक गया गाइस। अभी ना गाइस वहाँ पे घूमने के लिए तो ऐसा कुछ था नहीं, तो भाई हमने भर भर के नाश्ता लिया है और कोल्ड ड्रिंक्स लिया है, तो अभी भाई इतना खाएँगे ना कि भाई, एक तो इतना ज़्यादा धूप लगी हुई है और दूसरी तरफ से इतना ज़्यादा ट्रैवलिंग करके आए तो वहाँ पे पानी भी नहीं है, नहीं तो हमें यहाँ पे पहले आते ही सीधा नहाना था यहाँ पे वाटरफॉल पे, लेकिन पानी नहीं है, तो अभी नाश्ता भाई बहुत सारा लेके जा रहे हैं और वहाँ पे जाके भाई नाश्ता करेंगे।
अभी गाइस नाश्ता हो चुका है और हम जा रहे हैं आगे की तरफ। वहाँ पे थोड़ा पानी भरा हुआ है तो हम वहाँ पे जा रहे हैं, और गाड़ी लेके नहीं जा रहे हैं, गाड़ी हमारी सब यहाँ पे पड़ी है। हमारी R15, हमारी हॉर्नेट, यहाँ पे एक स्प्लेंडर, एक वहाँ पे स्प्लेंडर, दो स्प्लेंडर, चार बाइक कुल, और वहाँ पे अभी जा रहे हैं। आ जाओ चेक, चलो चलते हैं। तो नाश्ता हो चुका है, पेट भर के भाई नाश्ता ही किया है, खाया नहीं है भाई, बिल्कुल भी पानी नहीं। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा पानी यहाँ पे है और यहाँ पे थोड़ा सा पानी। बाकी हम चल के आगे जा रहे हैं भाई देखने के लिए, बस इतना सा पानी है, नहीं तो भाई यहाँ से पूरा पानी आता भाई, बहुत ही मज़ा आता नहाने के लिए। वहाँ पे नहाने के लिए हम जाते हैं और अभी नितिन आगे बढ़ते ही जा रहे हैं भाई, देखते जा रहे हैं। भाई ये पानी तो बहुत गंदा है, इसमें कैसे नहा सकते हम। पौने 4 अभी गाइस यहाँ से हमें एडवेंचर है थोड़ा सा। ओ भाई यहाँ पे पानी जा रहा है तो वो देखने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। ओह यहाँ से आप देख सकते हो भाई, भाई काफी वाटरफॉल जैसा ही है भाई, क्या ही पानी आ रहा है उस तरफ से। देखिए इतना ही पानी आगे धीरे धीरे जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर ज़्यादा पानी होता तो भाई नहाने में मज़ा आता। अभी मैं आप सभी लोगों को दिखा देता हूँ पीछे भाई छोटा सा वाटरफॉल। नितिन भाई यहाँ पे इनकी मज़ा ले रहे हैं भाई, पानी वहाँ पे ज़्यादा है नहीं तो यहाँ पे ही हम आके यहाँ पे देख रहे हो। और धूप बहुत ज़्यादा है क्योंकि अभी 4 बजने वाले हैं दोपहर के, तो भाई धूप अगर कम होता तो मज़ा आता यहाँ पे घूमने के लिए। और पानी भाई सबसे बड़ी दिक्कत क्या है पता है, पानी नहीं है यहाँ पे। पानी होता ना भाई तो नहाते हम यहाँ पे सब कुछ करते, लेकिन अभी पानी नहीं है तो। अभी देखो भाई इस भैया को देखो, इसमें एंजॉय कर रहे हैं। अब इतने किलोमीटर काट के आए हैं तो भाई कुछ तो करना ही पड़ेगा। वैसे ही भाई इतने किलोमीटर आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ तो भाई आप सभी लोगों को भी भाई सब्सक्राइब तो कर ही देना पड़ेगा। अभी भी देख लो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपने अभी तक नहीं दबाया तो भाई प्रेस कर दो उसको। अभी चलते हैं यहाँ से दूसरी कोई लोकेशन पर, देखते हैं भाई आज संडे है तो घूमना तो चाहिए ही चाहिए, तो अभी देखते हैं दूसरी कहीं लोकेशन पे हम जा पाएंगे तो ज़रूर जाएंगे। और नीचे भाई आप देख सकते हो पत्थर ही पत्थर है, तो इसलिए मुझे नीचे देख के चलना पड़ रहा है। अभी यहाँ से कोई दूसरी लोकेशन पे जाएंगे हम अच्छी सी, अभी देखते हैं अगर बीच में कोई अच्छी लोकेशन आ गई तो वहाँ पर जाएंगे, हम आपको दिखाएंगे ज़रूर। हम आए थे ससोई डैम घूमने के लिए और इन्जॉय करने के लिए, लेकिन हमारा पोपट हो गया भाई, भाई पानी ही नहीं है। हम यहाँ पे घूमने के लिए और नहाने के लिए आए थे लेकिन पानी नहीं है भाई, पूरा पोपट कर दिया आज तो। आज संडे है, घूमने के लिए आना था और पोपट। अभी भाई हम वापस जा रहे हैं क्योंकि भाई वहाँ पे पानी नहीं था, मैंने भाई कितनी बार बोल दिया भाई पानी नहीं था, तो इस वाले लोकेशन में इतना मज़ा नहीं आया गाइस। अब दूसरी वाली लोकेशन हम कोई अच्छी वाली लेंगे, अब देखते हैं वहाँ पे जाएंगे या नहीं, अब वापस घर पे जाएंगे, अभी तो कुछ भी पता नहीं। तो अभी तो वापस भाई यहाँ से 20 किलोमीटर के आसपास बचा हुआ है, तो 20 किलोमीटर अभी पहले यहाँ से काटते हैं एंड घर पे भाई अभी चल के पता चलेगा कि दूसरे कहीं पे घूमने जाना है या नहीं। अगर घर पे घूमने नहीं जाना होगा ना तो जामनगर में कहीं ना कहीं तो हम जाने ही वाले होंगे, तो पहले चलते हैं, लेट्स गो भाई। ये रास्ता है ना, भाई कई बार देखो ऐसे आ रहा है तो गाड़ी नहीं भगा पा रहा हूँ, और वैसे भी भगानी भी नहीं चाहिए। अगर कोई दिक्कत तो नहीं है भगाने में क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे हेलमेट पहना हुआ है, तो भाई हवा भी नहीं चलेगी इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी हम बहुत ही धीरे चला रहे हैं गाइस। अभी ये कौन सा रोड है, कहाँ पर है मुझे भी नहीं पता है। अभी नितिन और सब साथ में है, वो पीछे है तो उनको पता है। और वैसे भी गाइस अभी तो हम धीरे ही चला रहे थे। ओके ना गाइस, तो फाइनली अभी घर पे आ चुके हैं एंड बहुत ही घूमा भाई हमें। मुझे ना कल शाम से तो कुछ भी प्लान नहीं था, लेकिन सुबह सुबह मुझे कॉल आया 11 बजे के आसपास, तो मैंने 10:30-11 बजे तो मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया और ससोई की तरफ जाने लगे। ससोई डैम जहाँ पे गाइस बारिश होने के बाद जब वो वहाँ पे जाते हैं तो बहुत ज़्यादा
बड़ा ही वाटरफॉल होता है जो मैंने आपको दिखाया था, और वहाँ पे कई सारे लोग संडे को नहाने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं जामनगर सिटी से। तो आज तो भाई हम जब गए ना तब कोई भी वहाँ ही नहीं थे, हम तीन चार लोग ही थे, बाकी कोई भी वहाँ पे नहीं। एंड भाई हमें भी लगा कि भाई अगर यहाँ पे कोई भी नहीं है मतलब यहाँ पे कोई तो दिक्कत है। तो वहाँ पे गैस पानी नहीं था, वो मैंने आपको दिखा दिया। और बाकी हमें एक और रणजीत सागर पे जाना था लेकिन वहाँ पे हमने कैंसिल कर दिया, क्योंकि वहाँ पे भी अगर हम शूट करते तो व्लॉग बहुत बड़ा हो जाता। रणजीत सागर हम किसी नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे जिसमें हम वहाँ पर जाएंगे, एंड वहाँ पर मैं अभी आपको दिखाऊँगा, अभी तो नहीं वहाँ पर जाएंगे एंड मैं आपको दिखाऊँगा। फिर भी पानी नहीं था, फिर भी लोकेशन मस्त था, हमने दो चार फ्रेंड के साथ सभी ने फोटो खींची एंड इंजॉय किया सभी। आपको कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट कर देना, मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो भाई, एक बार कर दो भाई सब्सक्राइब तो कर ही दो। एंड मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइज़।